हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुरकुरी भिंडी बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना है हमारा भिंडी। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है और अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी बनी रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये भिंडी को मैंने चार पार्ट में कट करके ले लिया है, कुछ बीज भी इसके निकाल लिए हैं मैंने। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ हल्दी है थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें मैं थोड़ा सा सब्जी मसाला भी ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मिला लेंगे। ये चाट मसाला है आधा चम्मच के करीब, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें चार चम्मच के करीब बेसन डाल दूंगी। बेसन डालने से बाइंडिंग काफ़ी अच्छी आएगी। दो चम्मच के करीब चावल का आटा, इससे क्रिस्पीनेस बनी रहेगी। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भिंडी काफ़ी समय तक क्रिस्पी बनी रहेगी। सेम ट्रिक अगर अपनाएंगे तो, नहीं तो जब वो गर्म रहती है भिंडी तभी क्रिस्पी रहती है, ठंडे होने के बाद क्रिस्पी ख़त्म हो जाती है। इसको बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भिंडी क्रिस्पी बनी रहेगी ठंडे होने के बाद भी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। आधा चम्मच के करीब तेल डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि भिंडी सारी एब्जॉर्ब कर ले मसाले। दस मिनट हो गए हैं, अब इसको चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। देखिए भिंडी में कितने अच्छे से कोटिंग हुई है। तेल को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं एक बैच को फ्राई होने में। इसको पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। भिंडी हमारी आधी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकाल दूंगी। दूसरा बैच भी डाल दिया है मैंने, दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इसको टेस्ट के बढ़ाने के लिए इसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे लास्ट में। सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल लूँगी।
भिंडी हमारी फ्राई होके रेडी हो गई है। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब नींबू का रस और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर दूंगी और इनको मिला लूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सुपर क्रिस्पी भिंडी हमारी रेडी है, चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए हमारी भिंडी बनके एकदम से रेडी हो गई। आप इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।